इसके अतिरिक्त केवल जेल मैनुअल ही निर्धारित करता है कि क्या किस तरह से हम इनमें इसको ट्रीट करें। सर जी, सर जी, आपने बताया टोटल अपने यहाँ एशिया की सबसे बड़ी जेल है, क्या मतलब 10,000 लोगों की कैपेसिटी है और अभी तक 15,000 लोग रह रहे हैं, मतलब तो ज्यादा है ऐसे, मतलब ओवरक्राउडिंग। तो सर उसका कुछ उपाय हमने निकाला, क्योंकि इससे तो बहुत एक लड़ाई झगड़े होने की भी पॉसिबिलिटी। ओवरक्राउडिंग की अलग प्रॉब्लम है, देखिए लड़ाई झगड़ा तो एक चीज है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर प्रेशर होता है, स्टाफ के ऊपर प्रेशर होता है, जो ड्रेनेज है, सीवेज है, सैनिटेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्पेस है, सबके ऊपर प्रेशर होगा। तो इसमें 3-4 चीज़ें जो मेजर हमने यहाँ पर शुरू की हैं, एक तो जो मंडोली में 6 नई जेलें बनी हैं उनको हमने फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जी, वहाँ पर आधुनिक तरीके से मॉडल जेल बनी हैं 6, उनको हमने फुली 100% ऑपरेशनल कर दिया, जिससे तिहाड़ में जो इनमेट्स थे उनके ऊपर काफ़ी रिलीफ मिला है। अच्छा, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए? वो शिफ्ट हुए हैं, वो लोग हैं जिनके कोर्ट केसेस उसी हिस्से में हैं दिल्ली के, जैसे कड़कड़डूमा कोर्ट के लोग हैं तो वो वहीं होंगे, उनको आने जाने में भी सुविधा होगी, और यहाँ पर तिहाड़ में जो संख्या थी इनमेट्स की वो काफ़ी कम हो गई है। दूसरा हमने जो एक मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया है वो जेल नंबर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 जो जेलें हैं यहाँ पे तिहाड़ में, ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं सिंगल स्टोरी जी, इनकी मियाद 70 साल से 65 और 70 साल से पुरानी बिल्डिंग्स हैं जी। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार इन बिल्डिंग्स को हम नया बना सकते हैं, तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, तो एक ही हमने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिया है, इसके तहत फेज वाइज जेल नंबर 1, 2 और 3 की रीडेवलपमेंट होगी, जो सिंगल स्टोरी बैरिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम मल्टीपल स्टोरी कर देंगे। अच्छा, ग्राउंड प्लस 4 या ग्राउंड प्लस 5, जो भी आर्किटेक्ट हमें सुझाव देगा। इस रीडेवलपमेंट के तहत हमारी कैपेसिटी यहाँ पर अभी जो, जैसे फॉर एग्जांपल 1600 लोग अभी जेल नंबर 1 में हैं, तो इसी कैपेसिटी हम स्ट्रेट अवे 2 या 3 गुना बना सकेंगे। तो यहीं पे वो रिनोवेट हो सकता है? हाँ, ये इसका, ये इसको तिहाड़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये जेल नंबर 1, 2 और 3 यदि रीडेवलप हो गई तो प्रत्येक 1, 2, 3 जेल में करीब 3,000 लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। सर कितना अभी और ये टाइम लग सकता है? हम बताते हैं आपको, और ये जब रीडेवलपमेंट हम करेंगे तो हम आधुनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी, रहने की, लाइटिंग, एयर कूलिंग, जो अमीनिटीज़ हैं, जो व्यवस्था होनी चाहिए व्यवसाय की और हॉबीज़ वगैरह एक्टिविटीज़ की, वो सारी होंगी। रहने की भी जो जगह हम प्लान कर सकते हैं वो आधुनिक मापदंड से हो सकती हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन है या यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन है। तो एक जो ये क्रिटिसिज्म है कि हमारे यहाँ पर उस तरह की सुविधा नहीं है जो बाहर के लोगों को चाहिए एक्सट्रेडिशन के टाइम, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर टेक केयर कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए नए नए स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे CCTV कवरेज है, बाकी बायोमेट्रिक्स वगैरह, वो भी हम एक नए सिरे से आधुनिक तरीके से नए स्ट्रक्चर में हम इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। तो ये रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के कई विशेषताएं हैं, कई एडवांटेजेस हैं, और इसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसका जो इनिशियल जो डिस्कशन है हमारी आर्किटेक्ट्स के साथ, CWD इसको इसको इम्प्लीमेंट करेगी, PWD का प्रोजेक्ट डिवीजन, उनके साथ हमारी 5-6 सीरियस डिस्कशन ऑलरेडी हो गई हैं। इस स्टेज पर हम पहुंच गए हैं कि ये बेसिक ड्राइंग्स रीडेवलपमेंट की वो उन्होंने गवर्नमेंट को पेश करी है, एक बार उस पर जब डिस्कशन होगी और उसको अप्रूवल हो जाएगा तो फिर हम डिटेल ड्राइंग की स्टेज में चले जाएंगे। डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बाद तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, वो तो कुछ महीनों की बात है, तो लगभग काम बिल्कुल। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपने सारी बात बताई।